आप बहुत लग रही नमस्कार मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और इस समय आपके सामने मौजूद हैं मशहूर कलाकार आदर्श आनंद जी और इन्होंने इनको अपने हाल फिलहाल देखा होगा हुनरबाज में और अभी आज इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी देर बाद हम इनसे बात भी करेंगे अभी इनको इनका काम करने देते हैं भाई उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं चलिए <laughs> 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 तो पहले पहले <laughs> थोड़ा साथ, थोड़ा साथ <laughs> अच्छी हो ना सर बोलो <laughs> नहीं <बैं। laughs> आज मेरी घड़ी चालू नहीं हो रही <laughs> तो भाई शूटिंग अब खत्म हो चुकी है लंबे समय के इंतजार के बाद और भैया फाइनली देख सकते हैं पीछे भीड़ एक बार दिखा दीजिए आप ये जो भीड़ है ये अभी भी बेकरार है कि भाई भैया का एक झलक मिल जाए एक फोटो मिल जाए लेकिन भैया समय निकाल के बात करें बात करते हैं आपसे सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो आदर्श आनंद है इसकी शुरुआत कब हुई किस दिन मन में आया कि नहीं जीना नहीं है ऐसे ये करना अच्छा नहीं जी तो रहे हैं ऐसे ही जी रहे हैं और आस है सबको खुश करने की तो जो शुरुआत है वो सबको शायद टेलीविजन पे पता चली गई होगी और बहुत ही कठिनाई से और बहुत सारी चीज़ों को देखकर समझकर आगे बढ़ने की कोशिश है और कोशिश मेरी ये जारी है मरते दम तक तो कोशिश जारी रहेगी जी एक बात बताइए क्या आपके परिवार में कहीं से कोई थिएटर से किसी का जुड़ा किसी का कोई कनेक्शन कोई करने वाला हो जिसको देखा हो आपने नहीं कोई नहीं मैंने थिएटर किया है और भागलपुर में भी किया है और, और कोलकाता में भी किया है और दिल्ली में भी किया है नहीं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर कैसे हुआ कि भाई जिस फैमिली में कोई थिएटर नहीं कर रहा है अचानक से नहीं मेरे को अपने को जाके सबके सामने प्रस्तुत करना है द, आ, एक्ट करना है एंटरटेन करना है बहुत मेहनत का, का काम है थिएटर थिएटर मैंने ट्वेल्थ क्लास के बाद आ, किया था और वो भी मैंने एक दो महीने के लिए किया था और ट्वेल्थ क्लास से पहले यानी चार साल की उम्र से हम पहले डांस किया करते थे और ये सब सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ आई है ना मेरे पिताजी की वजह से आई एकदम उठा के पटक के दे देख कहनी पीटे में तो ऐसा ऐसा नौबत भी आया था तो धीरे धीरे करते करते फिर रुचि बढ़ी खुद से करने लगे आ, बहुत वो कहते हैं ना कि मैं बहुत शाही टाइप का भी था और बहुत स्टेज फियर बहुत ज़्यादा थी हमें तो पापा का जो मार और जो कुटियाते थे ना पकड़ के धसा के मारते थे तो वही सब चीज़ जो है हमको सब कुछ मतलब भुला दिया फिर खुद से ही माइक पकड़ना सीखे और बोलना बेबाकि के साथ एकदम पापा की वजह से ये सब आया फिर उसके बाद फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया क्योंकि हमें अलग अलग कैरेक्टर्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था और अभी भी है अलग अलग किरदार को निभाने का शौक़ बचपन से ही रहा है और नौटंकी घर में करते ही रहते थे तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनली हम करें तो उतर गए इस पर कितने साल का सफ़र रहा है आज सफलता आज मिली है कितने साल से इस फील्ड में आप नहीं सफलता नहीं मिली है और मैं चाहता हूं कि भगवान से ही मनाता हूं कि सफलता मुझे नहीं मिले क्योंकि सफलता जिस दिन मिल जाएगी तो उस दिन हमारा मेहनत थम जाएगा तो बस मेहनत करते रहना चाहता हूँ और सफलता मिले या ना मिले लेकिन सफ़र मिलता रहे और सफ़र क्योंकि सफ़र में जो है ना मज़ा सफ़रे में आता है तो सफ़र का मज़ा और लुफ्त उठाते हैं तो सफल नहीं होना चाहते सफलता मेरी मुझे लगता है कि मेरी सफलता तब है और तब दिखती है मेरी सफलता जब लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं मेरे पास और उसकी तोतली जुबान से जब मैं अपना नाम सुनता हूँ ना आदल आनंद आदलत अंतल आदर्श तो ऐसे करके मैं सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार दिस इज़ दिस इज़ द सक्सेस ऑफ माइंड अच्छा एक सवाल पूछना था जैसे ही लोगों के कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जरा सा होता है लोग काफ़ी बदल जाते हैं ऐसे घर के बाहर बैठेंगे नहीं इस तरीके से होंगे नहीं एक अलग एक माहौल आता है आप आज इतना ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आपके लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अपने भैया से बात करें पड़ोस के क्या कारण कब सोचा कि नहीं भाई हमको ऐसे ही रहना है हमको इसी तरीके से गुजारना है हमको ऐसे ही बनाना है कॉन्टेंट ऐसे ही सबसे मिलना ये सोचना नहीं पड़ता ये सब ये खुद ब खुद हो जाता है ये यूँ कहें कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी मम्मी और घर वालों का ही ये मतलब संस्कार है आस के लोगों ने और आसपास के छोटे बच्चों को से देख हम सीखते हैं तो बस वही सब सारी चीजें हैं और बस उसी के साथ चलना चाहते हैं धूल मट्टी में पले बड़े हैं और धूल मट्टी से होकर निकलना चाहते हैं देखिए कभी कभी क्या होता है कुछ एक्शन सीन में जब आप एक्शन सीन करते हो ना जब आप देखोगे हीरोई की एंट्री होती है तो धूल के धूल को बीच धूल के बीच में से जो धूल को फाड़ते हुए जब चिड़ते हुए निकलते हैं ना आप वो सबसे मजेदार होता है तो बस मैं 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 बस वही चाहता हूँ हाँ कभी घमंड आया कभी लगा एक पल के लिए कि नहीं यार अब हम जो है बाकियों से अलग हैं अब हमको थोड़ा रहना चाहिए कभी ऐसा लगा कि भाई अब जो है थोड़ा स्टार के तरीके से रहते हैं ये क्या होता है <laughs> <नहीं>। <laughs> ये तो ये घमंड वाली चीज़ तो पता नहीं ये ये होती क्या चीज़ है? हमें तो नहीं पता बट लोगों को सामने से उसके घमंड का चकनाचूर होते हुए देखें तो वो सब सारी चीज़ें सीख दे जाती हैं जी ठीक है और घमंड भाई किस चीज़ का घमंड घमंड तो तब होनी चाहिए जब कुछ आपका हो ज़िंदगी में जी, जी। आपका अपना तो कुछ है ही नहीं भाई जन्म देता कोई और है पालता कोई और है नाम देता कोई और है काम देता कोई और है जब बड़े होते हैं आप शोहरत भी कोई और देता है सपोर्ट भी कोई और देता है और जब आप मर जाते हैं तो चार कंधा भी कोई और देता तो आपका है क्या मर्दे दुनिया में <laughs> तो घमंड किस बात का तो घमंड करने का ही नहीं जिंदगी में सोचा नहीं होगा आपने कि भाई एक कमेडियन से आपको इतने ज़्यादा फिलॉसफी लाइफ की सुनने को मिलेगी लेकिन जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि चीज़ें ऊपर से जैसी होती है अंदर काफ़ी उसके पीछे सोच होती है बात करते हैं आगे आने वाले समय में क्या प्लान है और पहले ये बताइए कि बॉलीवुड आप गए हैं आपने एक शो भी किया हुनरबाज के लिए ठीक है इतने सारे लोगों से मिले कैसे देखते हैं बॉलीवुड को जैसे आपके ऐसे और भी जो युवा कलाकार हैं जो इससे छोटी सी जगह से निकल के जा रहे हैं क्या लगता है बॉलीवुड उनको जगह देगा या फिर आज भी कहीं ना कहीं छोटे शहरों का है कि भाई ये छोटे शहर का लड़का है देखिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटे शहर का है या फिर छोटे कस्बों से आए छोटे गाँव से आए तो सबसे सब पहले तो मैं ये बता दूँ जो ये सोचते हैं उनकी सोच छोटी है जी। सोच बड़ा करने की आ, कोशिश होनी चाहिए दूसरी बात कि बॉलीवुड में बॉलीवुड को मैं इस तरीके से देखता हूँ क्योंकि बॉलीवुड में दिग्गज दिग्गज बैठे हैं और जो कि महारत हासिल करे हुए बैठे हुए हैं हमारे सुशांत सिंह राजपूत सर भी बॉलीवुड से ही थे बॉलीवुड का सफ़र भी उनका बहुत ही सुपरहिट रहा है और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ बहुत अगर मैं नाम भी लूँगा तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं नाना पाटेकर सर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं नसरुद्दीन शाह सर हैं बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ तो बॉलीवुड तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जाना ना मतलब बहुत कठिन है एक दलदल जैसा दलदल नहीं बोल सकते इसे आपकी कहते हैं ना कि जो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है ना और इसके अंदर जाना मतलब बहुत कठिन है क्योंकि जो मैंने एक दो शो किया है तो उसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखने सीखा है कि कैसे क्या होता है रियलिटी क्या होती है इसके पीछे की स्टोरीज क्या होती है तो ये सब सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं तो इससे लगता है कि यार अपने आप को मतलब वजूद जो है ना खुद बनाओ जी वजूद खुद बनाओ किसी के वजूद की तलाश मत करो तो तही तभी आपको शायद मतलब उसका स्वाद अच्छा लगेगा बात करते हैं आपने बोला खुद की वजूद बनाओ जैसे अगर आज से दस साल पहले की बात करें तो अगर किसी को किसी भी तरीके का कुछ आर्ट फॉर्म करना है तो उसके लिए उसको उस जगह पे जाना पड़ता है आज के टाइम पे एक भाई यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम और ना जाने कितने सोशल मीडिया जो है जनता को आप तक लेके आ रहे हैं आपको क्या लगता है अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ, ए, सोशल मीडिया के साथ नहीं उतरे आज से दस साल पहले उतरे होते अलग समय में उतरे होते तो क्या यह सफलता आपको मिल पाती शायद मेरे ख्याल में नहीं क्योंकि वक्त के साथ चलना मैंने सीखा है मेरे पिताजी ने सिखाया है वक्त के साथ ही चलते हैं हम और वक्त के एक दो सेकंड्स मतलब पहले भी चलते हैं ताकि वक्त में पहुंच जाए कहीं अगर रुक भी जाए ना तो वक्त के साथ पहुंच जाए तो वक्त के साथ चलना सीखा है हमने और आ, अगर लेट करता कहते हैं ना कि लेट तो मैंने किया ही है और देर आए दुरुस्त आए ठीक है।, है तो आ, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या आए बी को फारसी क्या तो भैया आलस भी नहीं करने का है ना जब जो सोचो तब कर डालो क्योंकि मैंने मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी सभी जगह पर ट्रेंडिंग वीडियोज़ कुछ ज़्यादा चल रहे हैं राइट तो अभी क्या है कि जब आपके माइंड में मेरे माइंड में ऐसे ऐसे कंटेंट्स आते थे जिसे मैं जब भी आते थे सोया हुआ हूँ चार बज रहे हैं सुबह के तो उस वक्त अगर मेरे माइंड में आते तो मैं उठ के बना देता था और कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने रात में सोचा और उसे मैंने लिख कर रखा मैंने सोचा कि सुबह उठ कर मैंने ये बनाना है ठीक है पता चला जैसे मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ यूट्यूब खोल रहा हूँ कि सेम वही कंटेंट किसी, और, बना किसी बना और ने बना दिया तो ये होता है जब सोचो तब कर डालो बेटा का करने वाले बहुत लोग हैं बहुत लोग हुए है। तरा -तरा बैठे हुए हैं तुमसे एकदम तरह तरह के दिग्गज बैठे हुए हैं ठीक है तो खाली दिमाग खाली घर शैतान का खाली दिमाग शैतान का घर भैया तो जब सोचो तब शैतानी करो तो मतलब कंटेंट बना बात करेंगे ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट की मान लीजिए कोई एक्टर है उसने एक मूवी शूट की उसके बाद घर चला गया घर जाने के बाद उसे कोई मतलब नहीं है वो अपने लाइफ में व्यस्त है एक सोशल मीडिया स्टार होने का मतलब है कि आपको चौबीसों घंटे इस चीज़ में ऑन रहना पड़ता है लगातार आपको कॉन्टेंट बनाना है कम्पटिशन बहुत ज़्यादा है क्या कहते हैं इस तरीके कितना सस्टेनेबल है आज के टाइम पे कितना एक इंसान कर सकता है अकेले क्या उसको बहुत सारे टीम की जरूरत पड़ सकती है देखिए सबसे पहले तो शुरुआत से ही मैं मेरा जो कंपटीशन रहा है वो खुद से ही रहा है क्योंकि मुझे शुरुआत से ही खुद को ही हराना था और खुद से ही जीतना था जी। तो शुरुआत से ही ये मेरी कोशिश रही है कि भैया एकदम कुछ भी करेंगे तो अपने आप को ही मारना है और अपने आप से ही जीतना है जी। तो यही मेरी कोशिश रही है और आ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी से कंपेयर करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको ही दुख की प्राप्ति होगी है ना और आज के ज़माने में जो नंबर्स होते हैं ना वो फॉलोअर्स uh, uh, होते हैं इट्स ओनली अ नंबर ठीक है आजकल इसी के दम पर लोग मतलब सोचते हैं हे हम्मा बरकी माँ हमरे जैसा कोई न तो ये बहुत गलत है ज़रूरी ये नहीं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं नंबर वाइज ज़रूरी जरूर, ये है कि आपके कितने कंटेंट्स लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉपी कितने लोग कर रहे हैं और लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं ठीक है ज़रूरी नहीं कि वो आपको फॉलो करता है तभी आपका वो फैन है तो बस यही है बात करें सर डर की सबसे बड़ा फैक्टर आपने इतना ठीक है आप मानते हैं आपने भी कुछ हासिल नहीं किया लेकिन फिर भी आपने इतना कुछ हासिल किया है डर लगता है कभी रात में सोते समय कि भाई कल को ये सब कुछ खत्म हो जाए कल को अचानक से मैं उठूं मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए क्या ऐसा डर आता है कभी ये एंग्जाइटी का कभी सामना करना पड़ रहा है एंगजाइटी का सामना तो भैया एक महीना तक किए हैं और डर की बात अगर है तो जो मेहनत जो कर लेता है ना या मेहनत से कुछ प्राप्त हो जाता है तो मेहनत कभी किसी की खाली नहीं जाती सबसे पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आप मेहनत करते हो वो उसका जो फल आता है ना उसका जो रिज़ल्ट आता है वो कभी खाली नहीं जाती उसका एकदम वजूद बनता ही बनता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनजाइटी का शिकार मैं हुआ हूँ और जब आपको क्योंकि देखिए क्या है ना कि एक माइंड है है ना एक माइंड है तो आपको सबको लेकर चलना पड़ता है ठीक है सौ लोग आपको मिलेंगे उन सौ में से सभी लोग तो एक बराबर नहीं होंगे उनमें से कुछ आपको अच्छे अच्छा कहेंगे उनमें से कुछ आपको बुरा कहेंगे सबको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा ठीक है और चलना पड़ता है तो उसके दरमियान आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं मेरे को ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आए थे उनमें से क्या हुआ कि कितने सारे ऑफ़र्स में मैं ठुकराया गया कितने सारे ऑफ़र्स ऐसे आए जिसमें कि पैसे को लेकर बात हुई तो फिर पैसे नहीं दिए गए तो ऐसा भी मोमेंट बहुत ज़्यादा आया है एंड उन तमाम चीज़ों को लेकर मन मतलब मैंने बहुत सोचा है कुछ ऐसे वेब सीरीज़ मैंने करे जिसमें मेरा आधा शूटिंग हो गया उसके बाद मेरे को निकाल दिया गया तो ये सब चीज़ जो है ना एनजाइटी का रूप ले लेता है लगातार मेहनत करो फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं अगर दिक्कत हो रही है अच्छा अगर बात करें हमने देखा अभी हम आए हैं इतने सारे फ़ैंस आए इतने सारे लोग आए आपने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जो कोने में खड़ा है जो बात नहीं कर पा रहा हिचक रहा है उनको ला लाकर और करीब आधे घंटे तक आपने हर किसी से वीडियो बनवाया किसी हर किसी के मन का चीज़ करवाया ये सारी चीज़ें आपने करवाई कैसे इतना एनर्जी कहाँ से लाते क्योंकि होता होगा कि भाई अब थक गए यार अब घर अब अब बस कल आ जाना भाई प्लीज़ आज आज छोड़ दो ऐसा कभी हुआ देखिए या फिर क्यों नहीं हो रहा है इसा? थकने का थकने का मतलब है कि आप रुक गए हैं कहीं तो मैं रुकना नहीं चाहता ठीक है और ये सब सारी चीज़ें ना एनर्जी दे जाती हैं क्योंकि मैं फुल एकदम फुल ऑन रहता हूँ हमेशा और क्योंकि मैंने मैंने इस चीज़ को देखा क्योंकि जो लोग सुबह के चार बजे से लेकर भी इंतजार कर रहे होते हैं बाहर में वो चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों और मैं सॉरी भी बोलता हूँ क्योंकि आप भी इंतजार किए हैं आज क्योंकि मैंने सबसे पहले काम को प्रायोरिटी दी है और एक काम से पहले मैंने पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दी है तो आ, काम इसीलिए आप, आप इस समय भी पढ़ाई कर रहे हैं हाँ जी क्या किस एम एस सी कर रहा हूँ मैं एम एस सी करें कहाँ से भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर तो क्या मतलब किसके कहने पापा पिताजी के कहने पे नहीं ये मेरा मन है जी मन खुद के मन हाँ और देखिए कहाँ तक चलता है तो कोरोना वराना आ गया कि सब लेके डूब गया क्या बोलेंगे ये काफ़ी अचरज वाली बात है मैं पता नहीं था कि यहाँ पर आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं खुद के आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे आगे का क्या सोचा है क्या कुछ बड़ा बताइए जो कि दिमाग में है और एक दिन करना है उसको देखिए बड़ा यही सोचे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मेरे को बड़ा ये करना है कि जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ना उसको बड़ा करना है तो बड़ा यही करना है कि मेरे साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको बड़ा करना है क्योंकि आ, बड़ा बड़ा ऐसे नहीं करना है कि वो कद में बड़ा हो गया या उम्र में बड़ा हो गया बड़ा हमें इंसान के तौर पे करना है हमने बात की आपके छोटे छोटे जो भी यहाँ पर जितने भी आपके टीम मेंबर हैं चिल्ड्रन पार्टी से तो उन्होंने बताया कि भाई रात में भी भैया जो हैं वो सिखाते हैं कंटेंट वो करते हैं तो क्या सोच रहे हैं इन लोगों को किस तरीके से आगे ले आएंगे तो कि अब तो मेहनत जारी है और एक एक ये है ना कि एक गाना है किस्मत नहीं मेहनत अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पर नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर तो किस्मत नहीं मेहनत पे इन बच्चों का भी बहुत आ, मतलब रोल रहा है, आला रोल रहा है आपको समझ में आ जाएगा वो दो ढाई सेकेंड सॉरी ढाई मिनट का ये गाना है तो बच्चों को साथ लेकर चल रहा हूँ और इन इनको पढ़ाने की भी कोशिश है और देखिए ऊपर वाला चाहेगा तो आ, मैं इन लोग इन लोगों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला देने की भी कोशिश करूँगा और लोगों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्नेह हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि यार कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और मैं वाकई में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भगवान के साथ रहता हूँ सभी बच्चों के बीच में ही रहता हूँ तो बस वही है मैं भी खुद एक बच्चा हूँ और अपने अंदर का बच्चा कभी मरने मत दीजिए अगर वो बच्चा मर गया ना तो अब बुढ़ापा में तब्दील हो जाएगा जवानी है मैं तो दिक्कत आ जाएगा अच्छा एक सवाल और याद आ गया इसी बात से मान लीजिए आपके ऐसा कोई दूसरा लड़का है स्कूल में शांत बैठ रहा है कुछ नहीं कर पा रहा है ठीक है उसको किस तरीके से प्रेरित करिएगा क्या करना चाहिए उसको इस समय जो स्कूल में है और देखता है आपको सोचता है यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ अच्छा तो जब आप सोचते हो कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ तो कर डालो बेटा उसके बाद कोई छः पाँच न उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगे मत करो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कर कर डालो क्योंकि भाई वही तुम्हारे तुम्हारे सक्सेस का की बन सकता है ठीक है और मेहनत मेहनत करते रहिए और मुझे पता है कि मेहनत क्योंकि पहले मैं सोचता था यार करते रहेंगे कभी मिलभोक करेगा कि नहीं रहा पता हुँ, नहीं हुँ, हुँ, हुँ। ये सही जा रहे हैं या नहीं या विफलता मिलेगी हमें चाहे वो व्लॉगिंग कर रहे हैं चाहे एक्सप्रेस न्यूज़ से मेरे भाई हैं अच्छे सवाल कर रहे हैं तो जैसे व्लॉगिंग करने वाले हमारे कुछ हमारे दोस्त यार आए हैं बनारस से कुछ लोग हमारे फैन फॉलोअर्स आए हैं मिलने के लिए तो ये भी व्लॉग करते हैं तो उनमें से कभी कभी आपको नेगेटिविटीज भी सुननी पड़ती होंगी क्या ये सब माइक लेकर दौड़ गया है क्या जो फोन ले वाला इधर उधर कर रहा है पढ़ाई लिखाई करो फॉर्म वम भरो दो तीन टाइम अंकल आंटी सब आते होंगे और ये सब करके क्या होगा यो बेटा क्या समझा रहा है ये परेशानी तो हर कोई झेल एक झेलिक्री कर ही दीजिए जब आप कर ही रहे तो बताइए किन की मेमिक्री करे So. हाँ यार, हे ये जो तेरा टॉर्चर है ना ये मेरा वार्म अप है हाँ, क्या अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है यार तू किसी और लड़की को ढूंढ लेना हे हाँ यार क्या करूँ तेरी से नहीं मिलेगी अरे कितनी सारी तो है मिल जाएगी नहीं मिलेगी अरे एक बार तू ट्राई तो कर मैं अच्छा नहीं ना मैं स्मार्ट नहीं हूं मेरे नाक अच्छे नहीं है ना अभी छोटी बच्ची होगी समझती नहीं हो Huh? <laughs> हमें नहीं बोलाना आई लव यू सो मच एंड आई लव सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया इस एक्सप्रेस न्यूज थैंक यू आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्या चाँग? आप हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हो गया <laughs> नहीं छोटी बच्चे नहीं है एक सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं <laughs> क्या करूँ यार सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं क्योंकि ये मेरा कब्ज है एसिडिटी हो गई है मुझे इसीलिए बोल रहा हूँ <laughs> तो अगर आपने वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें जरूर और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत बहुत गोविंद भैया कैमरे के पीछे हैं गोविंद भैया और राज भैया को बहुत बहुत शुक्रिया और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे आप तमाम लोग इसी तरह से मोहब्बत और प्यार देखते देते रहिए और एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए फुल एक्सप्रेस में रहिए कहाँ बोलेंगे जिंदगी में तो यहाँ पर वो टीम मौजूद है जो कि आदर्श आनंद के साथ कदम से कदम मिला के कॉमेडी करती है कितने प्यारे कितने प्यारे बच्चे चलो बात करते हैं पहले ये बताओ इतना अच्छा एक्टिंग कैसे हो रहा है हैं तो भाई हमको भी सिखा देगा कब से, कब से उस समय कभी लगा नहीं, कभी मम्मी, पापा दो चार चप्पल डांट मार कुछ नहीं कि भाई क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है अरे बच्चा तो आज ना बढ़ना चालू किया पहले तो नहीं ना बढ़ा होगा पहले तो लग रहा है क्या खाली टाइम पास हो रहा है होमवर्क बनाओ खाना खाओ है पढ़ो लिखो तो उस समय का क्या है सीन हमको ही बताओ कुछ नही स्कूल से आते थे तो बोलते चलो वीडियो बनाएंगे छुपा के के बच साइड से <laughs> नहीं अच्छा ठीक है चलो अभी कैसा लग रहा है अभी जैसे इतना सारा लोग आ रहा है डेली डेली बातचीत कर रहा है अभी तुम लोग भी स्कूल जाते हो स्कूल में तो बॉस हो गए अभी <laughs> अभी तो स्कूल के बॉस हो ना तुम लोग है ना स्कूल में चलता ही होगा आज का वीडियो देखे तीन मिलियन गया है कल चार मिलियन जाएगा उसमें भी रहेंगे कैसा लग रहा है स्कूल में कैसा रिस्पॉन्स होता है लोग क्या बोलते हैं दोस्त लोग बहुत सपोर्ट करते हैं।, सपोर्ट करते हैं। हाँ। हाँ। कोई जलन कोई दोस्त साइड से देख रहा है हम भी तो दिखो वैसा कुछ नहीं। बढ़िया चल रहा है दिखाई हाँ। अच्छा ये बताओ आने वाले समय में तुम लोग और क्या अच्छा हम पहले ही बताओ जो जितना ही मूवी का शूट करते हो पुष्पा के जी एफ सब जो कर रहे हो इतना बढ़िया कैमरा कहाँ से हैंडल करते ही लोग करते हो ना ये करता। कैसे इतना अच्छा कैमरा कहाँ से करना सीखा सिनेमाटाग्राफी का सीखा है लेकिन भाई हाँ। फुटेज जो होता है हमने जो देखा है भाई फुटेज एकदम बिल्कुल बढ़िया लगता है कोई मतलब मूवी कैमरे से शूट हो रहा है सीन कैसे पीछे आना आगे आना सब कुछ तो ये सारी चीजें कितने दिन में सीखे हो कल इक्के दिन में सीख गए की बहुत समय लगे ऐसे बोलते हैं ऐसे करो तो, तो एक जैसे एक बड़ा सीन जैसे के जी वाला जो सीन था या फिर वो डीजे वाला जो सीन था एक जो डीजे वाला वो जो सीन था उसको करने में कितना देर लगा तुम नहीं नहीं दिन। दिन। दिन? वो एक दिन का फुटेज नहीं है वो पाँच छह दिन की लगातार मेहनत के है और एडिटिंग कैसे होता है एडिटिंग फोन पे वो एडिटिंग भी फोन पे ही होता है तो भाई जितने भी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई कुछ बड़ा करने के लिए लैपटॉप रिंग लाइट और कुछ भी डी चाहिए बता दें कि सिर्फ फ़ोन के कैमरे के साथ और लैपटॉप एडिटिंग करके ये सारी चीज़ें लैपटॉप ही नहीं सॉरी फोन पे फोन पे रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के साथ ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है चलो ठीक है अब ये बताओ कोई टैलेंट है तो दिखाओ गाना वाना गाओ थोड़ा जनता है जो है गाना तो गाने नहीं कौन सा टैलेंट जो टैलेंट है करके जो भी मेरा एक्ट होता है इमोशनल वाला करो 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 बिल्कुल माँ तू मेरे पास आ जाओ माँ <laughs> अब अब ऑब्वियसली आप किसी को क्या कि अचानक से बोल दिया करने तो वो नहीं कर पाएगा उसके लिए सीन चाहिए होता थोड़ा तुम थोड़ा करके दिखाओ आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। <laughs> <laughs> बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और तुम लोग क्या तुम लोग भी आते हो साथ में हाँ, हम तो साथ में रहते हो क्या सोचा गया क्या, क्या करना है बड़ा होके आगे बहुत बड़ा करना है बड़ा करना है कुछ क्या करना है एक्टिंग सिंगिंग डांसिंग सब, सब चीज, चीज होगा सब चीज करना है और क्या यहीं से करना है कि बाहर जगह करना क्या? यही यही है यहीं से यहीं से करना है थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कि इसी जगह को दिल्ली मुंबई बनाना है भागलपुर को दिल्ली मुंबई बनाना चाह रहे हैं लड़के तो हमारे साथ यहाँ पर आदर्श आनंद जी के पिताजी मौजूद हैं सर सबसे पहले तो नमस्कार ये बताइए कि आ, क्या करते हैं आपके क्या आपका जॉब क्या है मैं टीचिंग लाइन से हूँ आप टीचिंग लाइन से हैं और कब आपको पता चला कि बेटा कुछ अलग करना चाह रहा है कितने दिन पहले की बात है नहीं कब पता चला है ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि वो तो बच्चा से मेरे साथ है तो बच्चा से ही इंटरेस्टेड था उस समय तो सर आपको पता था यूट्यूब के बारे में पता था फेसबुक के बारे में पता था इंस्टाग्राम नहीं, नहीं, ये सब मुझे मालूम नहीं था।, था तो जब ये वीडियो बना बना के डाल रहे होंगे समय तो बड़ा अचरज लगता लगता होगा लगता होगा।, हाँ, भिल्कुल, भिल्कुल। लगता होगा हाँ मुझे तो पता नहीं था कि वो एक का मिमिक्री करता है एक सौ अस्सी कैरेक्टर अभी तो शायद बीस और बढ़ा है इनका दो सौ बता रहा है वो तो ये सारी चीजें कब हुई पढ़ाई के लिए भी समय निकालना आप टीचर हैं तो आप जरूर पढ़ाई के लिए तो लगातार करते ही होंगे बिल्कुल पढ़ाई के लिए तो मैंने बहुत काफी टॉर्चर किया है जी है ना मारा भी है खूब मैंने पटक पटक जी। हाँ क्योंकि सबसे पहले तो पढ़ाई जी, जी। हाँ, पहला जो है प्राथमिकता मैं पढ़ाई को देता हूँ एजुकेशन फिर इसके बाद सेकेंडरी जो है मैंने उसे कभी मना नहीं किया कि आप ये सब ये सब मत करो लेकिन पहले पढ़ाई हासिल कर लो एजुकेशन जो है मस्ट है हमें अभी भी पता चला कि वो इस समय भी जो एम एस परस्यू कर रहे हैं अभी भी कॉलेज में उनका दाखिला है वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं उनको करियर किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशन तो देखिए ज्ञान एक अलग चीज़ होता है और लोग तो सर्विस के लिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन मैंने एक्चुअली इसको ज़्यादातर तो ज्ञान के लिए पढ़ाया है आज आपने देखा होगा कि बच्चों लोगों को जो है बेटा बोलो ए फोर क्या होता है एप्पल बी फोर क्या होता है बॉल जोनी जॉनी जॉनी बोलो तो ये ये शिक्षा नहीं है शिक्षा का मतलब होता है कि जो है बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ये मस्ट है डिसिप्लिन ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सिखाई हैं आज आपके दरवाजे पर रोज जो है सैकड़ों लोग आ रहे हैं लगातार कैसा महसूस कर रहे हैं क्या सोचा था कभी ऐसा और अब कैसे लग रहा है ये किस तरीके का बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ये ये जो जगह है यहाँ सरस्वती का ये है मैंने यहाँ पर अभी स्कूल जो है बहुत दिन तक चलाया करीबन यहाँ दस साल चलाया ना तो मेरे यहाँ बच्चों की भी भीड़ भी ज़्यादा रहती है हमेशा ये जब छोटा था उस वक्त भी यहीं जाता है क्योंकि मम्मी को भी भीड़ भी पसंद है तो इसलिए मैं भीड़ भी से घबराता नहीं हूँ मुझे अच्छा लगता है एक समय बड़े पर्दे पर किरदार देखते होंगे है ना स्टार है भाई ये बड़ा बहुत बड़ा एक्टर है आज आपका बेटा खुद उतने बड़े स्टार के तौर पे उभर रहा है क्या अंतर देख रहे हैं अब क्या चेंज हुआ है आपका इस फिल्मी जगत के बारे में क्या नज़रिया चेंज हुआ देखिए बोलता है ना कि हाथी का दो दांत होता है एक अंदर दिखाने का होता है और एक खाने का होता है तो फिल्मी जगत में जो भी है ज़्यादातर दिखाने का होता है समझे ना खाने का अलग रहता है उसके अंदर जो है कहा गया है कि ईटा पत्थर छड़ी बालू सीमेंट से महल बन सकता है घर नहीं बन सकता है घर तो माता पिता और बच्चों के संस्कार से बनता है और मैं उसके इस बिहेवियर से खुश रहता हूँ कि वो माता पिता को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता है केवल माता पिता को ही नहीं ना लड़कियों लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है जी। आ, ये अभी तो व्यस्त था जिसके कारण उनसे आप मिल चुके हैं पहले भी अच्छा 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 पहली बार है आपका हाँ पहचान लें तो इसलिए जो वो रिगार्ड करने के लिए आता है समूह का रिस्पेक्ट करता है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ और ये तो अभिनय में मैं खुश नहीं रहता हूँ बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आपका बेटा इसी तरह आगे बढ़ते रहे हमारी उम्मीद है एक्सप्रेस एक्सपीरियंस की तरफ से मैं हूँ राज तब तक के लिए धन्यवाद